नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चंदन रजक आजादी के बाद पहली बार मुखिया बनी कौमा देवी ने जीत के जनता से कही बड़ी बात। बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण के चुनाव परिणाम आते ही जीते हुए प्रत्याशियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी कड़ी में सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड के सुखासन पंचायत से पहली बार मुखिया बनी कौमा देवी ने कही जनता से बड़ी बात। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार यादव से मैं मुखिया बना है और उन्होंने कहा अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करूंगी और मैंने जो वादा किया है मैं अपने पंचायत वासियों से उसे हर हाल में पूरा करूंगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। आप कौन है मुखिया जी का? हम पब्लिक है यहाँ के। अब मैं इससे पहले पूर्व मुखिया रहा हूँ। पूर्व मुखिया रहे हैं। जी चीज बताइएगा, ये मुखिया जो बने हैं इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? काम करेंगे? ये बहुत काम करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे, जहाँ पर खंडहर है आज़ादी के बाद जो पूर्व मुखिया महावीर मेहता जी काम किए थे, उसके बाद जो है खंडहर हो गया था, जहाँ में दो दो बच्ची की जान गए दो खंडहर में, सबसे पहला काम वो करेंगे। हम लोग कहेंगे इनको करेंगे। आपके पंचायत का सड़क का स्थिति खराब है क्या? बहुत खराब है, जहाँ पर अभी भी जो है जाने के क्रम में बात जाने के क्रम में दो दो बच्ची की जान गई है। स्वास्थ्य सेवा क्या है आपके पंचायत? स्वास्थ्य सेवा तो बदहाल है यहाँ का। उप स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पे? जी है। क्या चालू है? नहीं चालू है, वहाँ पर एक नर्स रहती है लेकिन यहाँ पर जो कोई डॉक्टर नहीं है। अभी बहुत सारा जगह देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र पे ताला लटकी हुई है, लेकिन अब आपकी सरकार बनी है, आप मुखिया में आ गए, क्या आपके कार्यकाल में ऐसा होगा कि उसका ताला खुलेगा? प्रयास करेंगे, वहाँ पर चमाचम जगह रहेगा, वहाँ पर डॉक्टर निश्चित रूप से हम लोग पदस्थापित कराने का काम करेंगे। कहीं कहीं देख रहे हैं कि स्कूल का भी समस्या चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें भी बेहतर सुधार कराने का प्रयास करेंगे हम लोग। कहीं जगह तो ऐसा भी देखे हैं कि स्कूल पे विद्यार्थी आ जाता है, मास्टर टीचर जो है टाइम पे नहीं। वो पहले होता था, अब नहीं होगा। सर, एक पंचायत में हम गए थे, वहाँ जो अभी नवनिर्वाचित मुखिया बने हैं वहाँ पे जन वितरण प्रणाली के बारे में बताया था। आपके पंचायत में जन वितरण प्रणाली जो होता है, जो अनाज देती है पब्लिक को, जी, उसका स्थिति क्या है, सो बताइएगा। पहले स्थिति यहाँ पर गड़बड़ सरबर तो था, लेकिन सारी गड़बड़ी को यहाँ पर दूर करके। आपको क्या लगता है कि ये मुखिया जो बने हैं क्या उसमें काम करेंगे? काम नहीं करेंगे, बहुत काम करेंगे। तो विकास का पहला मुद्दा आपका क्या होगा? मतलब पंचायत में पहला मुद्दा होगा सड़क, जहाँ जो दो बच्ची की जान गई है वहाँ पर पुला बना सबसे अति आवश्यक जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा होगा कि यातायात का साधन हो, उसके बाद स्वास्थ्य पर होगा, उसके बाद शिक्षा पर होगा, उसके बाद ये खाद्यान्न ये सब जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ युवा है उसके साथ जुड़ते हैं और बोलते हैं कि ये युवा भी पीछे में है और क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है? विष्णु कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको जो मुखिया जी बने हैं, आप लोग कितने खुश हैं इस चीज से? हम लोग बहुत खुश है। अब की बार सुखासन पंचायत की जनता विकास के नाम पे मत दिए है। पूछ लीजिए, सुखासन पंचायत में अब सारी समस्या दूर होगी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड में नाम नहीं हो, इंदिरा आवास हो, सारी समस्या शौचालय सब हो जाए। पशु सेट में पैसा लिया जाता था हम सुने हैं, तो इस पे कहाँ तक किस? अहाँ जे छे मुखिया से जीतलिए है, तो अहाँ जनता के की संदेश दिल चाहबे? सुखासन पंचायत के अहाँ मुखिया भेलिए अभी। जनता हमरा जीता के लाबल कई है, दुख सुख में हम साथ रहें कर भी। आगा जे समस्या छे पंचायत के, तो पर केना निपटारा करबे अहाँ? हमें निपटारा करबे, जे सकबे से करबे, मदद करबे। अहाँ पंचायत के पूरा सरकार बनलिए, पूरा भार पावर अहाँ के पास रहते, तो किस तरह से अहाँ के संभालबे चीज का? पूरा हमू संभालबे। सर, आपका नाम क्या हुआ? लाल यादव। पंचायत सुखासन। आप मुखिया जी के क्या हुए? पुत्र हुए। पुत्र हुए। आप किस तरह से सहयोग कीजिएगा माता जी का?
जो पंचायत में जनता जो जनादेश दिए हैं जीत का, उसको पालन करेंगे और सही मार्गदर्शन में पंचायत का जो विकास का काम है वो विकास का काम ईमानदारी पूर्वक करेंगे। सर, इससे पहले जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जो पहले मुखिया थे 5 साल, उसके कार्यकाल में जो काम अधूरा रह गया है, अब तो वो आपकी जिम्मेदारी आ गई है, आप उसको कहाँ तक पूरा करेंगे? उसमें जो काम अधूरा रहा है उसको पूरा प्रयास करेंगे, पूरा होगा। फिर नई योजना है, नई योजना लेकर के गांव का जो विकास होगा वो करेंगे। आप अपनी जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? पूरे सुखासन पंचायतवासियों को, मतदाताओं को दे रहे हैं, जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है मेरी माँ को। अच्छा, पहली बार आप मुखिया बने के से पहले भी थे? नहीं, पहली बार बने। पहली बार बने, कितना वोट से जीते हैं आप? 73 वोट से। अपना पूरा एड्रेस दे दीजिएगा परिचय। मेरा नाम कृष्ण कुमार उर्फ लाल यादव। कुल कितना रामेश्वर यादव, कुल कितना कैंडिडेट था? 8 थे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? धनराज यादव। क्या कहेंगे मुखिया जी जीत गए यहाँ से? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग, और इसमें नया इतिहास रचा गया है। जब से आज़ादी हुआ इसमें ज़्यादा मुखिया नहीं हुआ था, और जितने भी कार्यकलाप है सही ढंग से चलेगा। कैसा रहेगा सर 5 साल? ये बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग के भरोसे पर कर पाएंगे ना? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम दिवाकर कुमार। क्या कहेंगे आप मुखिया जी जीत गए, कितना खुश महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी सपोर्ट भी किए थे जीतने के लिए और जिताने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे बहुत, जब से ये सुखासन पंचायत का गठन हुआ और ये पंचायत बना है, तब से कभी भी यहाँ पे एक यादव कम्युनिटी में मुखिया नहीं बना था, और पहली बार बना है। इसमें हम लोग काफ़ी योगदान दिए थे। क्या लग रहा है कि 5 साल का जो कार्यकाल कैसा रहेगा? 5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे विचारधारा में, क्योंकि मैं सपोर्ट किया हूँ इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी अच्छे काम करेंगे इसीलिए इनको सपोर्ट किया। आपने जो भरोसा किया है मुखिया जी पे, क्या वो मुखिया जी आपके भरोसे पे खड़े उतरेंगे 5 साल? हाँ, मुखिया जी हमारे भरोसे पे काफ़ी अच्छे तरीके से खड़े उतरेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। पहले भी दे दिए, मेरा नाम दिवाकर कुमार है। ये कौन सा पंचायत है? ये सुखासन पंचायत है। कौन सा प्रखंड है? किशनपुर प्रखंड है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत R9 भारत के लिए चंदन रजक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राय, और आप देख रहे हैं R9 भारत। इस चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी? विकास के वादों को लेकर सब अजमा रहे अपनी बारी। गांव की जनता किसके हाथों सौंपेगी पंचायत की पतवार? आखिर अब की बार किसकी होगी गांव की सरकार? देखिए एक खास शो गांव की सरकार, सिर्फ और सिर्फ R9 भारत पर।